अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तो कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। दादाजी क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडरवाटर सूप ऑन। इमली चुलबुल तुम लोग यही रुको, मैं अभी आया। एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। बस बस है। रिमोट से ट्रांसफार्मर ऑन करो नहीं लड़ सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। मैं रिमोट से स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि रोबोट काम नहीं करेगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। अरे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। Yeah!
मेरा ही खेल खत्म हो गया। ओ पीर, मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके इमली, और पता है मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रोबोट बना रहा था। अब फुर्सतगंज में पानी की कमी कभी नहीं होगी। पीर, तुमने मेरे हर काम में टांग अड़ाई है, मेरा हर काम बिगाड़ा है। मैं आज मैं तुमसे महासंग्राम का ऐलान करता हूँ। हाँ, महासंग्राम। मेरे इस महासंग्राम का पहला योद्धा है मेरी मैड बाई। ये देखो मेरी स्पेशल बाइक, मैंने इसे नाम दिया है मैड बाइक। इसमें स्पेशल क्या है बॉस? वीर जब इसमें बैठेगा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतने साल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए साइकिल तक नहीं बनाई और वीर को आप मोटरसाइकिल बनाकर दे रहे हैं। ये क्या हो गया है आपको बॉस? He is right, boss. He is right. आपको क्या हो गया है? ये बाइक वीर को घुमाने के लिए नहीं, उसे खत्म करने के लिए है। ये तुम वीर के घर के सामने छोड़ देना। जब वीर इसमें बैठेगा और दोनों पैर बाइक पे रखेगा इस तरह, तो उसके पैर एक ऐसे मजबूत लोहे के शिकंजे में कस जाएंगे कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगा, और उसका बदन इस बाइक की सीट में लगी मैग्नेट से पूरी तरह चिपक जाएगा। आई बात समझ में? बॉस बॉस, ये रिमोट किस काम का है? उसी रिमोट को ऑन करके मैं बाइक को खुद कंट्रोल करूंगा, जैसे वीडियो गेम में करते हैं, और वीर को कहीं डेंजरस जगह ले जाके खत्म कर दूंगा। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। वीर चलो ना, बाजार से गाजर लेकर आते हैं, भूख लगी है। ये बाइक किसकी है? अरे बहुत अच्छी है, बैठ के दिखता हूँ। टारगेट मैचिंग। गेम ऑन वीर। ये हो क्या रहा है? इमली, ये बाइक नहीं कोई रोबोट है। चिंटू वीर को बचाओ। बचा के ही दिखाऊंगा। चिंटू, मैं दादाजी को फोन लगाती हूँ। सब बता दिया है, वो बाइक ऑटो कंट्रोल में है या मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है। उसे किसी तरह मैनुअल कंट्रोल में लाओ। ओके दादाजी। अब मैड बाइक बच्चों से टकराएगी तो वीर हर तरफ बदनाम हो जाएगा। दोस्तों
अब आएगा मजा। अब कैसे बचोगे वीर, कैसे बचोगे? ये क्या, हवा में बाइक उड़ती आ रही है, ये कैसे हो सकता है? पैराशूट ऑन। पैराशूट ऑन। बच गया। हेलो वीर, तुम कहाँ हो? ऊपर देखो, मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास लैंड करने वाला हूँ। इस बाइक से पीछा छुड़ाने का एक और तरीका दिमाग में आया है। तुम जल्दी से एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। जल्दी करो इमली। हाँ। इमली रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इमली पीछे देखो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। बाइक की स्पीड बहुत तेज है, तुम रस्सी को सड़क पे रख दो, मैं उठा लूंगा। मेरे कंट्रोल से निकल गई है, अब फिर उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता, उसका हैंडल भी कंट्रोल कर सकता है। अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। आज तुम मेरे अगले योद्धा को लेकर वीर के घर जाओ और उसे वहीं खत्म कर दो। वीर घर पे नहीं है। खबर मिली है कि वीर के स्कूल वाले सभी स्टूडेंट्स को पुराने किले में ले जा रहे हैं। वहाँ पुराने जमाने की तमाम मूर्तियाँ हैं और सामान भी है। वेरी गुड, तुमने अच्छी खबर दी है। मेरे पास एक ऐसा रोबोट है जो डेविल के स्टैचू जैसा लगता है। तुम खबर फैला देना, ये शैतान का स्टैचू है और रात में कभी कभी जाग जाता है। जब तक वीर सोचेगा शैतान से कैसे लड़े, ये वीर को खत्म कर देगा। I'm glad, very, very glad. इसके पास बहुत पावर्स हैं, लेकिन इसकी तो पूंछ ही इतनी मजबूत है कि वीर को पकड़ के पटक पटक के हमारे रास्ते से हटा देगी। ये क्या? ये हो गया, बस रुक नहीं रही। Oh!
चलो चलो जल्दी जल्दी अपना सामान उतारो। इमली तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से सामान उतार लेता हूँ। सबका यहाँ पुराने किले में स्वागत है। ये देखिए, ये है राजा भान सिंह की स्टैचू और वो है रानी रूपमती। ये सभी मूर्तियाँ 1000 साल पुरानी हैं। वाह, ग्रेट! और ये बीच हॉल में किसकी मूर्ति है? ओह, आपने क्यों पूछा? अब तो बताना ही पड़ेगा। ये है शैतान। पूरणमासी की रात जब खत्म होती है और सूरज की पहली किरण निकलती है तो ये शैतान जिंदा हो जाता है और जो भी दिखता है उसे खत्म कर देता है। और आज पूरणमासी की रात है, बच के रहना, ये जरूर जागेगा। जाओ डेंजर डेविल, वीर को तबाह कर दो। ऑल द बेस्ट। टिम्बकटू होगा। तुम लोग दूर रहो, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय, रोबो बॉय। आप सब जल्दी से फोर्ट में चले जाओ, शैतान की शैतानी को खत्म करने का समय आ गया है। टारगेट मैच। बॉस बॉस, आपका डेंजर डेविल भी रोबो बॉय के सामने फेल हो गया है बॉस। बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी, देखो मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा। थैंक यू दादाजी। दादाजी चाट नहीं बनाई। मुझे सिर्फ गाजर खानी है दादाजी। ठीक है ठीक है,
मैं तुम लोगों के लिए चाट और गाजर का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? हाँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा डेंजर टेबल भी वीर के सामने फेल हो गया, लेकिन कॉस्मिक वुल्फ फेल नहीं होगा। मोना, मेरे महासंग्राम का अगला योद्धा कॉस्मिक वुल्फ स्टार की पावर से बनेगा, उसे वीर कभी नहीं हरा पाएगा। Genius, boss. Super duper genius. ये टिम्बक्टु कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे, इतनी सारी बुक्स, अब इसमें से बॉस ने जो कही थी वो वाली बुक कहाँ होगी? टिम्बक्टु, जल्दी वो बुक लेकर आओ। यस बॉस, मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ और किताबों के बीच में ही हूँ, पर वो किताब कहाँ है? अरे बेवकूफ, उस पर स्पेस कॉस्मिक पावर्स नाम लिखा होगा। स्पेस कॉस्मिक पावर, मिल गई बॉस, मिल गई, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे चुलबुल, तुम हर बार तुम कोई ना कोई गड़बड़ करते हो, आज नहीं छोड़ूंगा। बोलने मुझे मेरी बुक। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बेवकूफ, वो किताब लेकर तुरंत आओ। किताब का आधा हिस्सा? पर ये किताब है क्या? ये देखो, स्पेस कॉस्मिक पावर, ये तो बड़ी पुरानी बुक है स्पेस स्टार्स के बारे में। समझाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, आसमान में ये सब स्टार्स मिलके एक पिक्चर बनाते हैं, उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। मतलब कि मैड मैक्स स्टार से बने पिक्चर के पावर से कोई गड़बड़ करना चाहता है? हो सकता है। पर इस बुक से मैड मैक्स क्या गड़बड़ कर सकता है? अब तबाही का मेरा मकसद पूरा होगा, और वो तबाही करेगा ये वुल्फ पावर। योर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। मैं इस वुल्फ के पावर्स को यहाँ जमीन पे लाऊंगा। वो बॉस, आप उस वुल्फ को देखो, मैं अपने इस वुल्फ को देखता हूँ, ठीक ठाक तो है ना? ये क्या हो गया? अरे अब इस वुल्फ बने टिम्बक्टू को कैसे कंट्रोल में करूं? खैर जो भी हो, तबाही तो होगी ही ना। पापा, ये तो वुल्फ है। अब आज फुर्सतगंज में अचानक एक वोल्फ आ गया है और तबाही मचा रहा है। पता नहीं ये कहां से आया है। लगता है कि फिर से मैड मैक्स ने फुर्सतगंज को बर्बाद करने की चाल चली है। मुझे जाना चाहिए। हाँ वीर, तुम लोग जाओ। रोबो बॉय सूट ऑन।
चिलबुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीर। वीर, वो देखो, वो बुलबिमली की ओर बढ़ रहा है। इमली। वीर, बचाओ! देखो ये रोलर गन है, इसमें मैंने सन के एनर्जीज के रेज के कैप्सूल्स लोड किए हैं। ये कैप्सूल्स को तुम्हें उस वुल्फ के सर के सेंटर में मारना है। समझ गया दादाजी। ठीक निशाना लगाओ। दादाजी उसे बड़ा होने दो ताकि मैं उसके सर का सेंटर पॉइंट ठीक से देख सकूं। सिर्फ आखिरी कैप्सूल बची है। सुपर ग्रेट है। नहीं नहीं, तुम सब ग्रेट हो। मैड मैक्स। बॉस बॉस, आपके महासंग्राम के योद्धा एक एक करके पिट रहे हैं और वीर जीत रहा है। मेरे ख्याल से ये महासंग्राम अब बंद कर दीजिए। कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल। गुस्सा करके वीर को नहीं हराया जा सकता। शांत दिमाग से काम करना होगा। टिम्बक्टु, तुम्हें क्या लगता है, मैं वीर को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? You are genius, boss. Super duper genius. आप वीर को एक ना एक दिन जरूर खत्म कर दोगे। She is right, boss. She is right. लेकिन वो एक दिन आएगा तब, बॉस। वीर को पकड़ने की चाह में तो आप बूढ़े हो गए बॉस, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब उसे खत्म करने के चक्कर में खुद ही खत्म नहीं हो जाना बॉस। I am mad, very very mad. तुमने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये है मेरा नया रोबोट डार्क मैग्नस। आज की रात फुर्सत गंज के लिए काली रात होगी और मेरा डार्क मैग्नस रोबोट फुर्सत गंज में अंधकार फैला देगा और उस अंधकार में वीर का विनाश होगा। विनाश, ये डार्क मैग्नस। बॉस कह रहे हैं तुम फुर्सत गंज में अंधकार फैला दोगे। जरा एक सैंपल तो दिखाओ। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मेरे एक्सपेरिमेंट की सारी मशीन खराब हो जाएंगी। टिम्बक्टु, अभी तो अपने से काम लिया करो। आसमान में तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ इमली,
ऐसा लगता है जैसे करोड़ों बल्ब जल रहे हैं और रोशनी दे रहे हैं। वो कौन था जो ऊपर से हंसता हुआ उड़ के गया और अंधेरा फैला के चला गया? वीर, तुम्हारे यहाँ बिजली है? नहीं आंटी, अभी अभी अंधेरा हो गया है। तुम लोग यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। विंग सूट ऑन। बच्चों, बिजली चली गई है, ये रख लो। अरे वीर कहाँ है? वो चेक करने गया है कि बिजली क्यों गई है। रोबो बॉय, ये अंधेरा कैसे हो गया? रोबो बॉय, प्लीज हेल्प अस। मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप लोग कार्स की हेडलाइट चालू रखें, वरना पूरा अंधेरा हो जाएगा। वीर, तुम्हें लोगों की मदद के लिए आना ही होगा। और फिर दादाजी, हर तरफ अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। पहले शहर में रोशनी का बंदोबस्त करना होगा, वरना ऐसा ही अंधेरा रहा तो हर तरफ लूटपाट मच जाएगी। दादाजी, हमारे ऊपर से काला साया उड़ता हुआ गया और अंधेरा हो गया। चलिए आपके लैब में देखते हैं हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज कैद हुई है नहीं। हाँ चलो, हमारे सीसीटीवी में उसकी इमेज जरूर होगी। दादाजी, ये वही है, ये जरूर मैड मैक्स का कोई रिमोट है जो बिजली को सक करके खत्म कर रहा है। वीर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? डार्क मैग्नस, उसका इंतजार करो। मैं इंतजार ही कर रहा हूँ बॉस। दादाजी, अब मुझे उस रोबोट से लड़ने जाना है जो ये सब कर रहा है। वीर मेरे साथ आओ, तुम्हें लाइटनिंग सूट देना होगा ताकि तुम अंधेरे में भी उससे लड़ सको और वो तुम्हारी लाइट सक ना कर सके। लाइटनिंग सूट ऑन। लाइटनिंग सूट ऑन। शायद तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो। खत्म कर दो उसे, छोड़ना मत। कम ऑन रोबो बॉय। वीर, तुम फौरन वहां से निकलो, वो तुम्हारी बिजली सक कर रहा है। यहां से निकल के क्या फायदा, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? तुम्हें टाइम की जरूरत है, उसकी कमजोरी पता करने की कोशिश करो। चूहे बिल्ली का गेम खेलो, शायद उसकी कमजोरी सामने आ जाए। ओके दादाजी। ओ, लगता है इसे पानी पसंद नहीं है। दादाजी। हाँ वीर, बोलो। पानी पसंद नहीं है, इसके बदन में शॉर्ट सर्किट होता है। इमली, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलो भी। तुम फुर्सतगंज की बाजार वाले लेन में सबको कहो अपनी अपनी बालकनी में पानी की पाइप लेकर खड़े रहें। जैसे ही मैं वहाँ से निकलूं, सब उस रोबोट के ऊपर पानी की बौछार कर दे। ओके भी।
Bye-bye, number one! Yeah! This is your name! Yeah! सारी पावर्स वो सक कर रहा है। दादाजी लाइटनिंग सूट की लाइट ऑफ हो रही है। वो हमारी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली है। बी, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट बी। यू कैन डू इट। तुम समझते हो तुम बच गए, लेकिन नहीं, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मेरा महासंग्राम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम खत्म नहीं होगे। वीर का काम तमाम करेगा मेरा लाइटनिंग रोबोट। ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। फुर्सतगंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहां उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहाँ उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन बॉस वो आपको पटक पटक के मारेगा। I am mad, very very mad. वहाँ मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस। दादाजी, कितने दिनों से ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं, पानी बरस ही नहीं रहा, ना ही ये बादल अपनी जगह से हिल रहे हैं और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। दादाजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें, इस तरह तो सारी फसलें खराब हो जाएंगी और अकाल पड़ जाएगा। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। वीर, मैंने चेक किया है, ये बादल किसी ने साइंटिफिक फॉर्मूला को इस्तेमाल करके जमा दिए हैं। मैं तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके अंदर की दवा के पाउडर को तुम्हें ऊपर जाके वो बादलों पर डालना होगा। उसके डालते ही बादल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बादलों को इस तरह कौन जमा सकता है और क्यों जमाएगा? ये तो पता नहीं, शायद कोई बरसात रोक के अकाल पैदा करना चाहता होगा। दादाजी, आप मुझे वो पाउडर सिलेंडर दीजिए, इसे मैं जाकर बादलों पे स्प्रे कर देता हूँ। मैं भी चलूंगी, मैं बादलों में कभी नहीं गई। मैं भी चलूंगा। ढेर सारी गाजर भी ले चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। ओके वीर। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये सिलेंडर धरती पे नहीं गिरना चाहिए, वरना इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। ओके दादाजी, मैं ख्याल रखूंगा कि ये सिलेंडर धरती पे ना गिरे। बाय दादाजी।
अच्छा तुम दोनों पिकनिक करो, मैं बादलों के दूसरे एंड से हर तरफ ये केमिकल बिखराता हुआ आऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। चाहिए वरना पूरा फुर्सत गंज बर्बाद हो जाएगा। ये तो रोबो बॉय है, दूसरा कौन है? डांस करना, मैं गाजर खा के गाजर डांस करूंगा। आज मेरे महासंग्राम का आखिरी दिन है, मेरे सारे रोबोट फेल हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वीर, आज तुम्हारी जिंदगी का भी आखिरी दिन है। हो गया, मेरा नया आविष्कार पूरा हो गया। अब मैं फुर्सत गंज और वीर को अपने रास्ते से हटा दूंगा। पर बॉस, आपका ये आविष्कार नजर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या कमाल किया है आपने? तुम मेरे आविष्कार का कमाल देखना चाहते हो तो ये देखो। ये देखो मेरी इनविजिबल पावर स्टोर की चिप। अब देखो इसका कारनामा। बॉस, ये अदृश्य एयरक्राफ्ट्स तो सच में बर्बादी और तबाही मचा देंगे। ये क्या हो रहा है? अरे ये नुकीला बॉल, ये कहां से आया? अरे देखो, इस बॉल को कोई आसपास से कंट्रोल करके हम पे वार कर रहा है। भागो! अरे वो देखो, ये तो बंटी को लेके गायब हो गया। दादाजी मुझे ही कुछ करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। दादाजी, आसमान में वो बॉल फिर से गायब हो गई है। लगता है मैड मैक्स किसी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या भारी चीज मुझसे टकराई?
और वो नजर क्यों नहीं आ रही? एक्सरे विजन ऑन। अरे अजीब है, एक्सरे विजन में भी कुछ नहीं दिख रहा। दादाजी ये क्या? ये तो कोई एयरक्राफ्ट है। निकालो। पूरी तरह से फंस गए हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। सकते हो तो अपने आप को बचा लो वीर। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जहरीली गैस बड़े से बड़े रोबोट को पिघला देती है। तुम भी पिघल जाओगे। ब्लास्ट कर दिया। वीर ने प्लेन ब्लास्ट किया, पर साथ में तो वो भी डिसमेंटल हो जाएगा। दादाजी, मैड मैक्स ने इनविजिबल एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, उसी में मुझे अब्सॉर्ब कर लिया था और मेरे पावर्स भी छीन लिए थे। कोई बात नहीं वीर, इस बार तुम इमरजेंसी सूट का इस्तेमाल करोगे। बॉस, अब क्या होगा? विजन ऑन। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। नो! मेरी पावर के! नॉट अगेन! वीर, मैं फिर आऊंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। बहुत अच्छे वीर, मैंने तुम्हारा आविष्कार करके कोई गलती नहीं की है।